नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 21 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 10 प्रस्तावों पर बिहार कैबिनेट द्वारा लगाई गई मुहर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। कई विभागों में 1500 से ज्यादा पदों को जोड़ने के लिए राशि का आवंटन किया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहम फैसले भी लिए गए हैं। बिहार में लगभग 250 पुलिसकर्मियों का किया गया तबादला। बिहार में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर दरोगा से लेकर सिपाही पद तक के लगभग 250 कर्मियों का तबादला किया गया है। आपको बता दें, इन 250 कर्मियों के फेरबदल के लिए पुलिस मुख्यालय में आवेदन भेजा गया था, जिसके आधार पर इन अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं 64 ऐसे भी आवेदन थे जिनको अस्वीकृत कर दिया गया था। नीलकंठ सम्मान के लिए अमित कश्यप का हुआ चयन। बिहार की प्रतिभाओं ने शुरू से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम ऊंचा किया है। इसी कड़ी में बिहार के एक और प्रतिभागी का नाम जुड़ गया है और वो नाम है भोजपुरी, हिंदी और मैथिली भाषाओं में अभिनय करने वाले अमित कश्यप का। अमित कश्यप को उनके विभिन्न भाषाओं में अभिनय करने के लिए नीलकंठ सम्मान के लिए चुना गया है। सभी पंचायतों में लगेगा किसान चौपाल। बिहार सरकार जल्द ही सभी पंचायतों में किसान चौपाल लगाने की योजना बना रही है। ज्ञात हो, किसान चौपाल की शुरुआत दानापुर प्रखंड के जमालुद्दीन चक पंचायत के गोरेगांव गांव से हो चुकी है। लगाए जाने वाले चौपालों में किसान के अलावा पशुपालन, मछली पालन और सहकारिता संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आयोजित चौपाल में किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा जाएगा। वाल्मीकि इको पार्क के लिए करना होगा और ज्यादा इंतजार। वाल्मीकि नगर इको पार्क में सारी तैयारियां नहीं पूरी होने के कारण अभी इस पार्क के शुभारंभ में और समय लगेगा। वहीं जल संसाधन विभाग को अभी तक यह पार्क हैंडओवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को इस पार्क का लुफ्त उठाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसके उद्घाटन के बाद इस पार्क को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया था। पटना में ठंड ने दी दस्तक। बिहार के लगभग सभी जिलों में पछुआ हवा चलने के कारण ठंड का असर दिखने लगा है। पछुआ हवा के बहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं बुधवार की सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। पटना समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। जिस यूनिवर्सिटी में थी पढ़ने की तमन्ना, आज वहां पढ़ाने का मिला अवसर। ये वाकया है सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार की, जिनका सपना शुरू से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था, मगर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका यह सपना महज सपना ही रह गया। लेकिन किसी ने सही कहा है कि खुली आंखों से देखे गए सपने आज नहीं तो कल सच हो ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आनंद कुमार के साथ। आनंद कुमार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 24 नवंबर को लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया है। पटना मेट्रो के लिए केंद्र सरकार जल्द ही मुहैया करवाएगी राशि। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र, राज्य सरकार और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय करार हो चुका है, जिसके पश्चात अब पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार भी अपने हिस्से की धनराशि देने जा रही है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से पैसे मिलते ही PMRCL के स्वरूप में भी बदलाव आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके बाद अब चेयरमैन केंद्र सरकार का ही कोई होगा। वहीं 5 निदेशक भी केंद्रीय शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय नामित करेगा। बिहार यूनियन कामगार यूनियन ने निकाला मोर्चा। बिहार यूनियन कामगार यूनियन ने बिहार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला है। इस यूनियन ने मजदूरों के हकों एवं हितों की रक्षा, गरीब एवं मजदूरों के आवास को अनधिकृत के नाम पर हटाए जाने के विरोध, वृद्धा पेंशन एवं आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ मजदूरों को न मिलने, पटना में हुए जलजमाव के कारण झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने के कारण सारी महिलाएं सड़कों पर अपनी मांग को लेकर पटना के कारगिल चौक पर बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला है। पटना आने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। पटना आने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूले। गोलघर, म्यूजियम, श्रीकृष्ण, साइंस सेंटर, गांधी घाट, पटना जू, इको पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क, तारामंडल, महावीर मंदिर, पटन देवी, पटना सिटी गुरुद्वारा, सभ्यता द्वार, कुम्हरार पार्क, शीतला मंदिर, पटना सिटी, विज्ञान भवन, गांधी मैदान में जरूर घूमने जाएं। अब आइए हम जानते हैं बिहार के इस जाने माने हस्ती के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। किसी ने सही कहा है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। इसी वाक्या का उदाहरण है बिहार के खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को हमने अभी तक फिल्मों में अभिनय करते या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाते हुए सुना है, मगर खेसारी के बतौर अभिनेता बनने से पहले की कहानी किसी किसी को ही पता होगी। अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने से पहले खेसारी दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचा करते थे। उसके बाद खेसारी ने पहली बार 2012 में साजन चले ससुराल, जान तेरे नाम, दिल ले गई ओढ़निया वाली जैसी फिल्मों में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। अभी खेसारी लाल यादव बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट बने हुए हैं।
2 दिसंबर से स्कूलों में शुरू होगा क्रैश कोर्स। परीक्षा सर पर है और सभी छात्र परीक्षा की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वहीं बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके पश्चात छात्रों को परीक्षा के लिए भली भांति तैयार करवाने के लिए सभी स्कूलों ने क्रैश कोर्स करवाने का फैसला किया है, ताकि बच्चों द्वारा की गई तैयारियों का बच्चे खुद आकलन कर सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह क्रैश कोर्स 2 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसके पश्चात छात्रों का मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने त्यागमूर्ति रामलखन चांदपुरी की मनाई जयंती। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत व्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के सूत्रधार त्यागमूर्ति रामलखन चंदापुरी की 96वीं जयंती बुधवार को पटना के बीएन कॉलेज में मनाई गई। जयंती समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने त्यागमूर्ति रामलखन चंदापुरी को सच्चाई, बहादुरी और कर्मठता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए गए कार्यों को लेकर तारीफ की थी। जनसाधारण ट्रेन में हुआ बदलाव। दरभंगा और अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 1559 15560 दरभंगा अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब इस जनसाधारण ट्रेन में LHB कोच लगाने पर मुहर लगाई गई है, जिसके पश्चात अब इसे अंत्योदय एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यह व्यवस्थाएं कल से दरभंगा में प्रभावी हो चुकी है। वहीं कल यानी कि 22 नवंबर से अहमदाबाद से प्रभावी होंगी। ज्ञात हो ट्रेन में LHB कोच लगाए जाने से 550 से अधिक यात्रियों के बैठने की सुविधा हो जाएगी। बिहार क्रिकेट संघ से जिलों को मिलने वाली राशि में हुई बढ़ोतरी। किसी भी जिले में खेले जाने वाले मैच के लिए उस निर्धारित जिले को अनुदान राशि दी जाती है, जिसमें अब बिहार क्रिकेट संघ ने बढ़ोतरी की है, जिसके पश्चात अब जिलों को मिलने वाली राशि 10,000 की जगह 25,000 दी जाएगी। इसके अलावा खेल संबंधी समस्याओं से निदान के लिए विशेष 3 सदस्यीय टीमों का गठन भी किया गया है। JNU छात्रों की मांग पर बोले सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। JNU के छात्र फीस वृद्धि के मामले को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गहनता को देखते हुए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि फीस में इजाफा केवल उन लोगों का होना चाहिए जो इस फीस को भरने में सक्षम है, अमीर है और जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। प्रशासन को उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो प्रतिभाशाली लेकिन जरूरतमंद हो। अधिकारी और छात्र एक साथ बैठकर इस मसले का हल निकालें। पैक्स चुनाव के लिए अंतिम चरण की अधिसूचना हुई जारी। 5 चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव में अब महज कुछ ही दिनों बाकी हैं। ऐसे में अंतिम चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 5वें चरण का यह चुनाव छपरा सदर एवं दिघवारा प्रखंड में 27 पैक्सों के लिए 75 बूथों पर आयोजन किया गया है, जिसके लिए मतदान 17 दिसंबर को होंगे। आपको बता दें, आखिरी चरण के इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू होगी। इसके बाद 7 एवं 8 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 10 दिसंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। कोइलवर पुल पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर लगी रोक। पुलों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए DM कुमार रवि ने कोइलवर पुल से होकर आरा आने के लिए बड़ी गाड़ियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कोइलवर पुल पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही को रोकते हुए बताया है कि कोइलवर पुल से आरा की ओर आने वाली सभी बड़ी गाड़ियों का परिचालन बुधवार रात 10 बजे से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आरा से भी बालुओं से लदी ट्रकों को कोइलवर पुल से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 1 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पर होंगे महज एक नकदी काउंटर। राष्ट्रीय उच्च पथों के टोल प्लाजा पर नकदी काउंटर अब कम देखने को मिलेंगे। 1 दिसंबर से टोल प्लाजा पर महज एक ही काउंटर देखने को मिलेगा। बाकी के काउंटर वैसी गाड़ियों के लिए होंगे जिन गाड़ियों में फास्ट टैग लगा हुआ है। ऐसी गाड़ियों से टोल की राशि खुद ब खुद काट ली जाती है। आपको बता दें, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह निर्णय जाम से निजात दिलवाने साथ ही साथ तेल बचाने के उद्देश्य से किया है। चांदन डैम की जांच पड़ताल करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री। बांका पहुंचे राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने चांदन डैम क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने जिलाधिकारियों से डैम से जुड़ी जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने चांदन नदी से हो रहे बालू उठाव पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों के खेतों में पानी जाने में परेशानी होती होगी और नदी की गहराई भी बढ़ती जा रही है। शुरू हो चुका है एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल। भारत में होने वाले सिनेमा के सबसे बड़े इवेंट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का गोवा के पंजिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आगाज हो चुका है। 9 दिनों तक जारी रहने वाले इस इवेंट में देश से लेकर विदेश तक की फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसका हिस्सा पूरी दुनिया से हजारों डेलीगेट्स बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोवा में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 नवंबर को 22 कैरेट के प्रति ग्राम 3716 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3975 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.24 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.22 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आलापा प्रधानमंत्री राग। विपक्षी दल के नेता व वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है जो उनके द्वारा किए गए कामों को जमीन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह मानना है कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया तो उन योजनाओं के साथ साथ मोदी की भी जगह जगह चर्चा हो जाएगी, जिसके पश्चात नीतीश कुमार को तो कोई पूछेगा नहीं। मगर नीतीश कुमार के इस रवैये से नुकसान सिर्फ बिहार की जनता का ही है। आज हम आपसे एक सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके सुझाव को जानना है। तो आज का सवाल है कि बिहार में पलायन को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।